डॉलर ने जिस तरह छलांग लगाई है वो किसकी जेब में गए? आप कहते हैं सुकून कब्र में है, लोगों के मुंह से नवाला छीना जा रहा है। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ आटे का बहरान नहीं, चीनी की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। हुकूमत आटा खा गई और चावल खत्म कर गई। हुकुमरानों में सच सुनने का हौसला नहीं है। सेनेटर परवेज रशीद की लफ्जी गोलाबारी, कहा हुकुमरानों की तवज्जो मुखालिफिन को जेल भेजने पर है। आपकी तवज्जो है कि किस एहतसाब के जरिए अपने किस सियासी मुखालफ को फांसी की कोठड़ी में रखना है, किस सियासी मुखालफ को एहतसाब के नाम पर एयर कंडीशनर से, दवाई से, बिस्तर से महरूम करना है। आप कहते हैं कि सुकून कब्र में है। सुकून कब्र में उसके लिए है जिसने अपने लोगों के मुंह से रोटी का नवाला नहीं छीना। आटे का बहरान वाहिद बहरान नहीं, चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी? चीनी भी पाकिस्तान में वापर पैदा हुई। आटे की कीमत बढ़ जाती है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है, गैस मयसर नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, और डॉलर ने जिस तरह छलांगे लगाई थी, रात को सोते थे डॉलर का रेट और होता था, सुबह उठते थे डॉलर का रेट और होता था, ये डॉलर किसकी जेब में गए?